और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नीरव मोदी पर अब भारत सरकार का भी बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि नीरव मोदी पर भारत सरकार ने बयान देते हुए कहा है कि चूंकि हाईकोर्ट के वो फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला है कि नीरव मोदी को भारत जो लाने का अब रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त अभी यूके में जेल में बंद है नीरव मोदी। आपको बता दें ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम भगोड़े के प्रत्यर्पण की जोरदार कोशिश कर रहे हैं, हम उसे जल्द से जल्द भारत लाना चाहते हैं। ये साफ कर दिया गया है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। मीडिया से बातचीत करते हुए अरिंदम बागची जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है और ये बयान दिया है। आपको बता दें इस तरीके से जो आर्थर रोड की 12 नंबर जेल है, बैरक है, उसको तैयार कर दिया गया है। नीरव मोदी को वहां पर रखा जाएगा, उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जब से भारत लाने का नीरव मोदी को रास्ता साफ हुआ है। ये अब बड़ा बयान जो है, इसके बाद भारत सरकार जो भारत विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से आ गया है। अब यही है कि विदेश मंत्रालय जो एस जयशंकर है, आप बता दें कि एस जयशंकर विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही असर है कि ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं और साथ ही साथ जो विदेश नीति है उस पर भी ये असर डाल रहा है कि किस तरीके से विदेश नीति पर भी यहाँ पर अब ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और आपको बता दें कि अरिंदम बागची जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, वो सीधे एस जयशंकर को ही रिपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल ये है और ये भी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसके बाद विजय माल्या को भी अब भारत लाया जा सकता है। आपको बता दें कि नीरव मोदी करीब 14,500 करोड़ का घोटाला करके विदेश भाग गया था, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब नीरव मोदी को भारत लाया जाने का रास्ता जो है चूंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो चुका है।